हाँ तो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और प्यारे साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपको वीडियो सच कर देगा, आपको एक अंदर जुनून पैदा कर देगा और आपके परीक्षा एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा बदलाव लाने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी को अपने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो से आपको जो भी कुछ सीखे होंगे लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा। शुरू करते हैं दोस्त। कहते हैं कि हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, इसीलिए अपने जीवन में कहीं भी परिवर्तन बदलाव लाने से कभी रुकिए ना, झुकिए मत, क्योंकि वह कुछ समय के लिए वो कष्ट देगा लेकिन पूरा जीवन आपको सुनहरा बना देगा। तो प्यारे साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहली बात और बड़े मुद्दा ये है भाई प्यारे, कि क्वेश्चन बैंक जो है वो क्या है, कैसे पढ़े, कैसे हम अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम 100/100 स्कोर करें। तो ये जो वीडियो है स्पेशल 10th क्लास और 12th क्लास दोनों बोर्ड के लिए, 10th और 12th दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो प्यारे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करें, क्योंकि जो भी बच्चा 10th में है, जो आपके भैया 12th में है, उनके लिए भी, क्योंकि ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत अच्छा एक साबित होने वाला वीडियो है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्यारे, व्हाट इज क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक है क्या। हमें क्वेश्चन बैंक होता है क्या पता ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, जिनको क्वेश्चन बैंक होता है क्या पता ना। देखो भाई साहब, हमने आपके लिए हतना सारा क्वेश्चन लगो था, ठीक है ना, एकदम अलग अलग वैरायटी वाला, एगो क्वेश्चन बैंक, दो गो क्वेश्चन बैंक, तीन गो क्वेश्चन बैंक और चार क्वेश्चन, यानी आपके लिए बच्चों हमने चार चार क्वेश्चन बैंक लाए। क्वेश्चन बैंक होता है क्या, सबसे पहली बात है भाई साहब, सबसे पहली बात यह है क्वेश्चन बैंक में होता है क्या। सबसे पहले ओके, इसमें क्या कह दिया, ये जो क्वेश्चन बैंक पहले होते हैं क्या, तो क्वेश्चनों का संग्रह होता है, प्रश्नों का संग्रह होता है, यानी पिछले 10 से 11 साल, यानी कि पिछले 2009 से लेकर के 2024 तक के प्रश्नों के क्या होते हैं, संग्रह होते हैं। समझते हैं, एक जगह सारे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिए रहते हैं। इनसे फायदा क्या होता है प्यारे, हमने पहले समझा क्वेश्चन बैंक है क्या। तो अब तक ने जो भी बोर्ड में, यानी चाहे बचवा 10th के हो, आप चाहे किसके 12th के, अब तक के जितने भी प्रश्न बच्चों पूछे हुए हैं, जितना भी अब तक का बोर्ड ने प्रश्न पूछा हुआ है, वो सारा के सारा प्रश्न इसमें क्या होते हैं, ऐड हुए। क्वेश्चन बैंक समझ में आ गया, बढ़िया से बात, सारी बातों को आपको टॉपिक के लिए करेंगे और अंत में आपको पता चले कि वास्तव में मेरे लिए कितना उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन समझ में आ गया, पिछले 2009 से 2024 लगभग 14 वर्षों का क्वेश्चन में क्या होता है, इंक्लूड रहता है। हालांकि अब तो है दो, कितने में 2009 न करके कितना में 2011 से दिया है 24, यानी कि यहाँ भी आपको 14 साल का क्वेश्चन मिलेगा। तो 14 साल के क्वेश्चन क्या होते हैं, जो VVI क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए, वही सारे क्वेश्चन होते हैं। अब समझो क्वेश्चन बैंक क्यों पढ़े, सबसे पहली बात भाई साहब, क्वेश्चन बैंक क्यों पढ़े, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न, हमने सारे प्रश्न आपके लिए मन से दूर कर दिए। क्वेश्चन बैंक क्यों पढ़े, क्योंकि देखो भाई साहब, सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या, हम सिलेबस तो पढ़ते हैं, हमारे क्लास में जहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह सिलेबस पढ़ाया जाता है, सिलेबस हर जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन सिलेबस के संग संग क्वेश्चन किस प्रकार के पूछता है, कैसा क्वेश्चन पूछता है। आपने माना कि आपने कोई टॉपिक लिया, सपोज हम करते हैं कि आपने लिया प्रकाश से टॉपिक, प्रकाश से, तो प्रकाश से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके प्रयोग पढ़ा, उपयोग पढ़ा, उसके प्रतिबिंब को पढ़ा, तो इत्यादि केवल पढ़े हैं आप, लेकिन क्वेश्चन का तरीका आपको पता नहीं है, क्वेश्चन कैसा पूछता है, उसको आंसर कितना लिखना है, ये आपको पता नहीं। तो सबसे पहली बात क्या, इससे हमको पहला फायदा क्या हो गया, कि हमको पहला फायदा हो गया, पहले क्वेश्चन का तरीका पता चल गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कि बोर्ड का क्वेश्चन पूछने का तरीका हमें पता चला गया।
कोड द्वारा पूछे गए प्रश्नों का, पूछे प्रश्नों का हमें क्या तरीका पता चलता है, प्रश्नों का तरीका पता चलता है। क्या चीज? तरीका। किस लेवल का पूछता है? दूसरा फैक्ट, हमारे बोर्ड एग्जाम में जो भी एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन हर साल रिवाइज होते रहता है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपके, आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन 40 लगभग लगभग आपके बोल सकते हैं हम कि 35-40% या 35-45% आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिवाइज क्वेश्चन होते हैं, केवल उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया हो दिया जाता है और वह सब के सब क्या चाहिए वहीं क्वेश्चन इसको केवल रिवाइज किया जाता है। यानी कहने का मतलब उसी क्वेश्चन को अब जैसे मान लो गया कि उत्तर दर्पण का उपयोग लिखे, वो आ जाए कि उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया था, क्वेश्चन सेम उसका लैंग्वेज चेंज हो गया। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं ये पता चलता है। तो आपको पहली चीज के ये पहला तो सिलेबस पता चल जाएगा बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा चीज क्या है कि बोर्ड जो भी एग्जाम लेगा, आपको जो भी एग्जाम होगा उसका लगभग 30-35% जो सिलेबस होगा आपको यहीं रिवाइज रहे, इसी से क्वेश्चन बैंक से रहेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन बैंक से रहेंगे। क्वेश्चन बैंक आपको अति आवश्यक है पढ़ना। अब क्वेश्चन बैंक बात यह है कि कैसे पढ़े, कब से पढ़े। सबसे पहली बात है कि हमारे बता दें कि जो विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी हमको, विद्यार्थियों को हम तीन प्रकार में बांटते हैं। देखो स्टूडेंट को हम तीन भागों में बांटते हैं। स्टूडेंट जो ऐसा है, सुनना ध्यान से भैया, हो तीन प्रकार के स्टूडेंट हो, तीन प्रकार के छात्र हो। कैसन कैसन? अभी मत कहे कि तेज कमजोर है मीडियम, नहीं। सबसे पहली बात है कि एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा छात्र, एक ऐसा बालक जिन्होंने अपना जो स्टडी है वो आपको जनवरी फरवरी से ही क्या कर दिया है, शुरू कर दिया, शुरू करके अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। दूसरा विद्यार्थी ये है कि दूसरा विद्यार्थी जो अब पढ़ना चाहता है, यानी अब कि उसको अब दिमाग खुला, ओ हो हमारे टेंथ के एग्जाम बा, हमारे ट्वेल्थ के एग्जाम बा, तो अब वो पढ़ना शुरू किया। यानी कि अब जो बालक है वो जुलाई अगस्त के मंथ से वो बालक जो है पढ़ना शुरू किया। और तीसरा बालक वो है जो सोचा था कि भैया हो गेस क्वेश्चन मिल जितना, गुरुजी गेस क्वेश्चन दे तन, भैया गेस क्वेश्चन देता सब वे छाप देती, बस मजा आ जित ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वायरल है तो मजा आई। तो इन सभी तीनों में आपको ही पता होगा कि भैया किन को अच्छा से नॉलेज होगा, किन को जो होगा वो अच्छा मार्क्स आ सकता है, आपको पता है क्यों? तो क्या भाई इनमें सबको पता है कि देखा जवान बालक जनवरी से पढ़ाई शुरू किया, अपना जो लड़का है ये जनवरी से शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये छात्र का लगभग जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, लगभग जो सिलेबस वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट नहीं भी हुआ वो अपना ये डीपली पढ़ाई किया हुआ है। दूसरा लड़का है, ये जो है बालक, अब जो ये लड़का जो भी पढ़ने शुरू कर रखा है, इनके लिए ना, इनके लिए बता रहे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या जी, ये क्वेश्चन बैंक इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और भैया जो गेस क्वेश्चन के चक्कर में है उनको हम भी सलाह देंगे कि आप गेस के चक्कर में मत पढ़िए, आप केवल ये पढ़ जाइए क्वेश्चन बैंक, आपका जो बेड़ा है वो पार लग जाएगा, ये आपके जो बेड़ा है पार लग जाएगा। अब देखो यहीं पर आपको रिजल्ट भी पता लग जाएगा। अब ये जो लड़के हैं जो जनवरी फर्स्ट पढ़ाई कर रहे हैं, इनका जो रिजल्ट आएगा आपको बोल सकते हैं कि 450+ इनका रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये जो है इनका जो है एक लगभग नंबर आएगा 350 से 400 के बीच। क्यों? क्योंकि ये अभी पढ़ाई शुरू करें और एक जो बालक पहले शुरू करें, और बाकी ये लोग केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ ले और गेस क्वेश्चन भाई इनका तो ये है, आपके क्या गेस क्वेश्चन ये है, अजय इतना ही पढ़ ले तो इनको भी 300 से 350 आ सकता है, इनको भी 350 आ सकता है, इनको भी 350 आ सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वैसे विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ाई शुरू से चालू किए, जो बालक अभी पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, जो जुलाई अगस्त से पढ़ाई शुरू किए हैं या शुरू कर रहे हैं, या अभी सोच रहे हैं कि हम सितंबर से शुरू करें, उनके लिए ना ये समझो कि रामबाण जो है क्वेश्चन बैंक क्या है उनके लिए रामबाण है, वहीं समझ। तो उनको तो अति आवश्यक पढ़ना ही है, अति आवश्यक पढ़ना।
क्योंकि क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे, और सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन बैंक कौन सा ले ही बताएंगे जरा हम आपको कौन सा ले। अब देखो मेन बात है कि क्वेश्चन बैंक बच्चों को पढ़ा कैसे जाता है, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े, क्वेश्चन बैंक को क्यों पढ़े, तो पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन बैंक को पढ़ना क्यों जरूरी, क्योंकि इसमें पहला सी बात क्या है, पहला बात है कि बच्चों को क्वेश्चन को पता चलता है, भाई साहब प्यारे हमको क्वेश्चन पता चलता है कि बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा बात यह है कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, और उसमें काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या होता है रिपीट होते हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। अब बात यह है कि क्वेश्चन बैंक कब से पढ़े, क्वेश्चन बैंक कब से पढ़े, अभी बताएंगे जो तीन तरह के छात्र हैं, जो ग्रेड वन में हैं, जो ग्रेड वन में छात्र हैं उनके, और ग्रेड दो में जो छात्र हैं उनके लिए, और ग्रेड तीन में जो छात्र हैं उनके लिए। भैया हो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन बैंक है वो अभी आपसे अभी से आप शुरू कर दीजिए, बिल्कुल अभी से आप शुरू कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि अब क्वेश्चन बैंक जो है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएंगे, बहुत काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए उसको अभी से पढ़ना कर शुरू कर दें। तीनों छात्र जो हैं अभी से पढ़ना शुरू कर दें, और तीनों का जो परिणाम है ना वो आने वाले अगले कुछ महीनों में आपको परिणाम देखें, जब आप सेट बनाइएगा, मॉडल से बनाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे हमको क्वेश्चन में कितना फायदा कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े, क्वेश्चन बैंक पहले होता कैसा है, क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़े, कब से पढ़े तो पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, कब से पढ़े। देखो हमारे पास अभी आपको हम चार क्वेश्चन में दिखाए हैं, लेकिन देखो ध्यान से, ये एक आपको ये सबसे पहले दिखाते हैं, ये भाई साहब किसका है आप देख रहे हैं, यही क्वेश्चन होगा, ये आपका ये 2025 लगे 2024 लगे 25 वाला चाहिए था। क्वेश्चन बैंक जो होते पहले समझिए जरा सा, जो क्वेश्चन बैंक होते दो तरह के होते हैं, सुनिए ध्यान से, हमारे पास दो तरह के हैं, ये जो है एक साल दर साल क्वेश्चन बैंक जो होते हैं, क्वेश्चन बैंक देखो भाई साहब, क्वेश्चन बैंक जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक क्या होते हैं ईयर वाइज कहने मतलब कि साल भर, जिससे मान लो 2024 में एग्जाम हुआ उस सारा पेपर उठा के दे दिए, इसमें सारा पेपर उठा के दे दिए, इसमें 2011 से 2024 तक के दिए हैं, 2011 से 2024 तक। और दूसरा क्या होता है भाई साहब, दूसरा होता है चैप्टर वाइज, जैसे देखा हमें लिखा हुआ है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, दूसरा हमारा क्या होता है चैप्टर वाइज। तो सबसे पहली बात है कि बच्चों आपको कौन सा पढ़ना है, तो अभी आपको हम जो सलाह देंगे ना भैया, अभी आपको देंगे हमको चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज क्यों देंगे, क्योंकि अभी आप अगले नवंबर तक चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन बैंक पढ़े, क्यों, क्योंकि आपके जो क्लास में उसको जो सिलेबस होगा नवंबर खत्म लगा हुआ, तो जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता पूरा का पूरा आप चैप्टर वाइज पढ़े। कैसे पढ़े, जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमारा जो बच्चा जो चैप्टर है वो हमारा गणित के, मान लो एक चैप्टर लिए हमने गणित का एक चैप्टर लिया क्लास 10th का, जो पहला चैप्टर है हमारा जो क्लास में जो पढ़ाई हो गया है, कौन पढ़ाई हो गया है, संख्यापद इसमें नहीं, कौन सी है, वास्तविक संख्या। हमने वास्तविक संख्या को पूरा पढ़ लिया, और पूरा पढ़ने के बाद हमने जो आपके टेक्स्ट बुक है, आपके जो स्कूल का बुक है, आपने उसको खत्म कर लिया, खत्म करने के बाद बस एक काम कर लो, तुम्हारा सब मजबूत हो जाएगा, सारा के सारा मजबूत। तुम बात इस ध्यान से, क्योंकि कहते हैं दोस्त, जब तक करोगे नहीं तो हुआ नहीं, तो बात को मेरी ध्यान सुनो, इतना केवल बचवा कर लो, पहले बात से तुमने पूरा पहला क्या करो, पहला काम करो कि तू पूरा एक बुक पढ़ जा, पूरा तू क्या करो, पहला टेक्स्ट बुक पूरा तार कंप्लीट हो गई, ठीक बाटे। दूसरा बस खाली काम कर रखा जी, सेकेंड काम क्वेश्चन बैंक बस लगा जाओ इस चैप्टर का, जब ही तुम खोलोगे बच्चा इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए, चाहे आप विद्यासागर ले लो, चाहे आप ब्रिलियंट का ले लो, या फिर चाहे तुम किसका ले लो, टारगेट का, ठीक है, थोड़ा सा मोटा पड़ गया टारगेट में, ब्रिलियंट थोड़ा सा कम दिया गया क्वेश्चन, उसमें नाम के कॉल दिया गया, लेकिन आपको जो भी लेना होगा ले सकते हैं, आपके जो मार्केट मिला होगा, मेरे लिए तो ये दोनों बेस्ट है, टारगेट ना तो ये कि कौन सा विद्यासागर, दो ही आप लीजिए, हम कहेंगे कि तो टारगेट में टारगेट लीजिए तो विद्यासागर लीजिए, दो क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा द बेस्ट दोनों है।
दोनों को बना दिए, बस इतना काम कर लोगे आपको पूरा पूरा चैप्टर क्या कंप्लीट हो गया। पहला तो उनको पूरा किताबी ज्ञान मिल गया, दूसरा आपने जो पढ़ा जो जितना क्वेश्चन पूछा है अब तक जितना क्वेश्चन पूछा है सबके सत्र का क्लियर, ठीक बा। तो ऐसे पढ़ाना है। अब मान लो फिर आपको हिंदी मानक क्लास में पढ़ाई हुआ, आपको हिंदी में पहला पार्ट पढ़ाई हुआ श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति, तो पहले क्लास में पढ़ लिए उसको रटो मत, ध्यान दो, क्वेश्चन बैंक को रटना नहीं है, क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बैंक नोट कर लो बात को मेरे को, क्वेश्चन बैंक रटे नहीं, इसे क्या करें प्रैक्टिस समझे, प्रैक्टिस करें। अब मानो श्रम आपने पढ़ा, श्रम इतना तो पढ़ लो बढ़िया से अच्छा से बिहार से पढ़ लो, पढ़ला के बाद आराम से उठाओ क्वेश्चन बैंक और जितना भी हमें ऑब्जेक्टिव दे ले बैठे उस सारा के सारा क्या करो पेंसिल से बना जाए, पेंसिल से मार लो ट्रिक। अब जौन जौन सही होगा भाई मिला लेंगे, लेकिन जो गलती हुआ है बस याद हो गई, याद हो गई नहीं ये कुछ समय गलती। तो वैसे क्या पढ़ाई में जोर होता है, एक जुनून आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अब क्या करें पढ़ाई करें, ठीक है। अब दूसरी बात है कि आपको बताइए कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, क्वेश्चन बैंक बता दिया ऐसा कि आप अभी जो ले अभी के दिनों में कौन सा ले, तो अभी जो फिलहाल अभी कौन सा ले, तो चैप्टर वाइज ले, कौन सा चैप्टर वाइज, क्योंकि अभी आपको पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है इसलिए आप क्या ले चैप्टर वाइज ले। दूसरा इसको कब लेना है, तो इसको आप दिसंबर में लेकर के पूरा घर पर बैठी या पूरा के पूरा साल दर साल बनाते जाइए। तो बात समझ आएगी, सबसे पहले अभी कौन सा लेना है चैप्टर वाइज लेना है, इसको कब लेना है दिसंबर में, तब आप मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, तब देखना तुमको कितना नंबर बढ़ता है इसमें से। अभी बताएं कौन सा लेंगे, अभी क्वेश्चन बैंक लेंगे कौन सा चैप्टर वाइज, कौन सा ये चैप्टर ये लेंगे अभी, ठीक है, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, अभी इसको नहीं लेना है, अभी इसको कब लेंगे हम दिसंबर में लेंगे, ठीक है। तो इतना मेरे पास क्वेश्चन बैंक था। अब हाँ, क्वेश्चन बैंक पढ़ने से कितना अंक आ सकता है बता दिए ही हैं, किसमें जो लगभग बच्चे हैं उनको तो भाई जिस प्रकार की तैयारी होगा, जिन प्रकार का तैयारी होगा वैसा उनका नंबर आएगा। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं जो ग्रेड वन के छात्र हैं उनका तो जाहिर सी बात है कम से कम कितना आ जाएगा, उनको कम से कम 450 तो वही रखा हुआ। दूसरा क्या चीज, जो ग्रेड टू के छात्र उनको भी 300 से 420 तक आ सकता है, ग्रेड तीन के छात्रों को भी बात उनको लिए, लेकिन पढ़ेंगे तब तो। और हाँ दूसरा बात ये क्वेश्चन बैंक का जो आंसर होता है सुनो ध्यान से, उसके आंसर नहीं अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखे, क्वेश्चन बैंक के आंसर हूबहू नहीं, इसके हूबहू ना लिखें, अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखें, अपने अकॉर्डिंग क्या लिखें आंसर लिखें, क्योंकि बचपा क्या उसमें जो लैंग्वेज होता है कुछ टफ होता है, लेकिन अपना जो तू लिखवा जो हिसाब का स्कूल में पढ़ाया गया हिसाब पढ़े हुए हैं अपनी भाषा में लिख, क्योंकि परीक्षार्थी आप जो भी एग्जाम दीजिएगा सबसे ऊपर लिखा होता है, परीक्षार्थी यथासंभव जैसा संभव हो वैसा ही अपने शब्दों में क्या करे उत्तर दे। तो प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये क्लास था आज ये कैसा लगा, और हम कहते हैं कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना बताने के लिए दूसरों को बताने के लिए तो लोग हैं ना, इसलिए अपने अंदर एक जुनून लाइए कि नहीं मेरे को करना है दोस्त, मेरे कुछ करना है, मेरे को 2025 का रिजल्ट दिखाना है, मेरे को 2025 में फोड़ना है। तो वहीं फिर बारो कहेंगे कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए नहीं। तो जुनून अपने अंदर लाइए, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो होगा दोनों क्लास के बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी को से रिक्वेस्ट है कि सभी कोई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इतना दोस्त शेयर कर दे कि ताकि हर बच्चे के पास पहुँचे, उसको पढ़ने का तरीका पता नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। हमने सारी बातें डिस्कस करी, आप क्वेश्चन बैंक कौन सा ले सकते हैं, आपको अभी चैप्टर वाइज लेना है 10th का भी और 12th का भी दोनों ले सकते हैं, और आपको लेना कौन सा है बाद में, कौन लेना आपको तो बाद में लेना कौन सा आपको ईयर वाइज, पढ़ना कैसे है तो चैप्टर जिस हमने पढ़ा उसको बारे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। बाकी कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।